नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ नेहरू हॉल में जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मीरा यादव ने प्रेस वार्ता में अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। इन 5 वित्तीय वर्षों में 227.3749 करोड़ के सापेक्ष 2400 निर्माण कार्य कराए गए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया। गुणवत्ता पर कार्य कराए जाने पर शासन द्वारा विशेष ग्रांट भी उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री द्वारा देश में गुणवत्ता पूर्वक समय अनुसार अच्छे कार्य कराए जाने के लिए प्रदेश में 6 जिला पंचायतों में जनपद आजमगढ़ नंबर 1 पर है। जिला पंचायत द्वारा गुणवत्तापूर्ण पीच सड़क, सीसी रोड व नाली और नालो, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर हॉटमिक्स से 53 किलोमीटर पीच सड़कों का निर्माण कराया गया। पूरे जनपद में कम गाँव ही बचे होंगे जहाँ पर जिला पंचायत द्वारा निर्माण कार्य ना हुआ हो। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि पूरे कार्यकाल में माननीय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिला। मैंने भी संविधान के मर्यादाओं के अनुसार जनता की सेवा की। 8.5 वर्ष तक के अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने ईमानदारी व निष्ठा से कार्य किया। मैंने राजधर्म का पूर्णतया पालन किया। अंत में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत व अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत को मोमेंटो साल भेंट किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष निर्माण समिति हवलदार यादव, सदस्य जिला पंचायत राम अनुज सिंह, राजा राम सोनकर, राजेश यादव, राम बदन यादव, अपर मुख्य अधिकारी एके सिंह, अभियंता शशिचंद यादव व अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। आज आपके कार्यकाल खत्म हो रहा जिला पंचायत का, क्या उपलब्धियां रही, क्या इसमें दुश्वारियां रही, कितनी तकलीफों से आप लोग इस जगह पे आए? देखिए, राजनीति में दुश्वारियां और तकलीफें ये जुड़ी नहीं जाती हैं। राजनीति संघर्ष के माध्यम से हर व्यक्ति मेहनत करके लोगों के बीच में जा करके और उनके स्नेह आशीर्वाद को पा करके आता है, चुना जाता है। और इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति को धर्म समझते हैं। राजनीति के माध्यम से वो समझते हैं कि समाज में जो हमको दायित्व मिला है, संविधान के अनुसार जो दायित्व मिला है, उस दायित्व का निर्वहन किया जाए, ईमानदारी से उसको पूरा किया जाए। उस कड़ी में हम लोगों ने प्रयास किया, चाहे मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में 2005 से 2010 तक था और चाहे माननीय मीरा यादव जी 2012 से 2020 तक रहीं। ये प्रयास किया गया कि जिला पंचायत आजमगढ़ का सम्मान कभी घटने न पावे। बहुत जिला पंचायतों के बारे में धारणा खराब रहती है, अधिकारी और नेता उसको दूसरे तरीके से कहते हैं, लेकिन आजमगढ़ की जिला पंचायत के बारे में मैं समझता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में चर्चा है कि आजमगढ़ में जिला पंचायत बहुत ही ईमानदारी से काम किया। हमारे अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुसार ईमानदारी से लग करके सारी योजनाओं का क्रियान्वयन उन्होंने करने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का हम लोगों के बीच में अधिकारियों, कर्मचारियों और माननीय सदस्यों का आपस में सहयोग रहा, यह भी एक बहुत ही दूसरी जगहों से भिन्न है। लोगों का प्यार, स्नेह सब मिला, सदस्यों का भी सहयोग मिला और हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग लग करके काम किए। और निश्चित तौर पर आजमगढ़ के जिला पंचायत ने प्रयास किया कि यहाँ की गुणवत्ता, यहाँ के कार्यों की चर्चा दूसरे जगहों पर हो, उस मामले में हम सफल रहे। और हम लोगों ने राजनीति को पेशा के रूप में नहीं बल्कि राजनीति को सेवा धर्म के रूप में मानकर के हम लोगों ने पूरे 15 साल काम किया है। और निश्चित तौर पर हमारा आगे भी ये प्रयास रहेगा, जब भी कोई दायित्व मिलेगा हम लोग उस दायित्व को ईमानदारी, निष्ठा से जनता की सेवा समझ करके हम लोग करने का काम करेंगे। यह हमारा, हम लोगों का सबका यह संकल्प है। कल था, कल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और हमारे सदस्यों का बहुत ही सहयोग रहा
और जो भी शासनादेश था उसके निर्देशानुसार हम लोगों ने जो भी पैसा आया चाहे राज्य वित्त में चाहे ग्रामा वित्त में, तो उसका हम लोग बहुत ही ईमानदारी से और पारदर्शितापूर्वक जिला पंचायत के द्वारा ज़िले में काम कराने का काम किया गया। आज ज़िले में कहीं भी आप देखेंगे सारी सड़कें जो है बहुत ही गुणवत्तापरक तरीके से बनाई गई हैं, और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया गया था कि कहीं भी काम में कोई कमी न आए। और हमारा जो 5 साल में 227.49 करोड़ जो पैसे के सापेक्ष था, 2400 निर्माण कार्य पूरे ज़िले में कराया गया है। देखिए अभी यही चर्चा जो